एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं किचन में हूँ और कुछ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। स्पेशल सा नाश्ता बना रही हूँ आज, और आलू बॉयल हो चुके हैं, मैंने छील लिए हैं, और इधर मटर भी साफ़ कर रही हूँ। और मेरे साथ किचन में मेरे हस्बैंड भी हैं, तो हम दोनों लोग मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। और इधर मैंने लहसुन लिया है, तो लहसुन को अभी मैं छीलूंगी, और टमाटर मैंने चाकू से चॉप कर लिए हैं और चॉपर से चॉप करूंगी, और मैंने प्याज चॉप करके रख लिया है। और पाव भाजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं एग्जाम्स की वजह से, तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है और कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने सोचा पाव भाजी बनाकर रख लेती हूँ और पाव सेक कर दे दूंगी बच्चों को। और पाव भाजी तो हम किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ है या फिर पराठे के साथ भी खा लेते हैं, तो भाजी अच्छी लगती है। तो भाजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों का बड़ा शौक है। अगर ऐसे स्पेशल चीज़ कुछ भी बनती है तो वो किचन में साथ रहते हैं, और वो भी ट्राई करते हैं, अपने आइडिया देते रहते हैं। जब वो मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो जो चाउमीन वाला है, चाउमीन बनाता है, उसे बड़े ध्यान से देखते हैं, या पाव भाजी वाले को बड़े ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। फिर बस वही मेरे साथ आकर किचन में नए नए आइडिया देते रहते हैं। तो हम दोनों मिलकर पाव भाजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे अभी अंदर लेटे हुए हैं, छुट्टी है तो देर से सोकर उठेंगे, और बस हम दोनों ही उठ गए हैं। और झाड़ू मैंने लगा ली है, पोछा लगा लिया है, तो मैंने सोचा पहले भाजी बनाकर रख देती हूँ, फिर नहाऊंगी और पूजा करूंगी। बच्चों को गरम गरम पाव सेक कर दे देंगे, और बच्चे भी अभी नहीं उठे हैं, छुट्टी में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, बच्चों का मन होता है रात में देर तक पढ़ाई करते हैं तो सुबह लेट हो ही जाता है। और मैंने इधर मटर रख दी है बॉयल होने के लिए, और दूसरी गैस पर कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में प्याज मैंने डाल दी है। जब तक प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन होगी, और मैं इधर आलू मैश कर रही हूँ, हाथों से ही आलू मैश कर रही हूँ, और अच्छे से मैश हो जाते हैं। और प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे, तो टमाटर भी मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा टमाटर और प्याज होने में, तेल छूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसी बीच में बाकी की जो तैयारियां हैं वो भी कर रख लूँगी। और मटर भी मेरी बॉयल हो चुकी थी, तो मटर भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और भाजी में तो हम कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, तो मेरे पास इस समय कोई भी वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं थी, ना शिमला मिर्च थी। वैसे शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास नहीं थी। अचानक से मेरे मन में आइडिया आया कि भाजी बना लेते हैं, तो बच्चों को ठीक रहेगा। पाव भी मैंने रात मंगा कर रख लिए थे, तो पाव तो वैसे भी रखती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है। तो बस आज थोड़ी सी ज़्यादा भाजी बनाकर रख रही हूँ, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो साथ में मेरे हस्बैंड भी हैं, वो करछली से, सॉरी चमचे से दबाते जा रहे हैं। और इधर मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, कश्मीरी मिर्च भी इसमें डालूंगी, और लाल मिर्च मैंने कम ही डाली है, बच्चे थोड़ा सा खाने में परेशान करते हैं, तो इसी वजह से। और हम फिर बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, बच्चों के साथ साथ हम भी खा लेंगे। अगर हमें ज़्यादा मिर्च खानी होगी तो हम हरी मिर्च ले लेंगे, या फिर अपने लिए अलग से मिर्च ऐड कर देंगे। तो मेरे हस्बैंड है, वो सारे मसाले इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो पाव भाजी का मसाला ऐड किया है, और मैगी मसाला भी इसमें ऐड किया है, और अब इधर कश्मीरी लाल मिर्च होती है कलर वाली, वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्के हल्के से ही मसाले इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो जो भी मसाले यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही इसमें ऐड किया है, तो अब बाकी का काम रह गया था नमक ऐड करने का। तो हस्बैंड मेरे नमक ऐड कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत शौक लगता है नई नई डिश बनाने का, उन्हें भी बहुत शौक लगता है। तो वो भी मेरे साथ, जब मैं इस तरीके की कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो किचन में रहते हैं और कुछ ना कुछ मेरे साथ करते ही रहते हैं। और जब एक से दो लोग किचन में खड़े होते हैं तो हमारा काम भी आसान हो जाता है, और काम करने में मन भी लगता है। तो जब सारे मसाले हो चुके थे, तो आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब मैं चमचे से आलू को अच्छे से दबाती जा रही हूँ, और सारे मसाले में मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, भूनूंगी थोड़ी सी देर कढ़ाई में रख के, हल्की आंच पे भूनूंगी, थोड़ी सी तेज आंच पे भूनूंगी, और जब तक मसाले मेरे तेल नहीं छोड़ देंगे तब तक बस मैं भूनती ही रहूंगी। और पास्ता मसाला रह गया था थोड़ा सा इसमें डालने के लिए, मैगी मसाला तो मैंने ऐड कर दिया था, तो मैंने सोचा पास्ता मसाला भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और भाजी है, भाजी में तो इस तरीके के मसाले अच्छे ही रहेंगे, तो अभी तो मैं तेज आंच पर ही इसे बना रही हूँ।
और थोड़ा सा घी भी देसी इसमें ऐड कर रहे हैं अब। और जब हम खाएंगे तो मक्खन से इसे फ्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मक्खन से तो बाद में फ्राई करेंगे, अभी तो देसी घी इसमें हमने ऐड किया है। और बस अब चलाते जाएंगे चमचे से थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद, और भुनने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। वैसे भी मसाले बहुत सारे थे, प्याज बहुत सारा था, टमाटर था, और फिर आलू है, मटर है, और सारे सूखे मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो अभी तो तेज़ आंच पर बना रहे हैं और मेरे हस्बैंड ही कुछ चला रहे हैं। और इस बीच जो बर्तन हुए हैं, मैं साइड में खड़ी होकर बर्तन साफ़ करती जा रही थी। मैंने सोचा जब ये मेरे साथ लगे हुए हैं तो किचन में जो बाकी का काम फैला हुआ है मैं वो समेट कर रख देती हूँ। तो एक से दो लोग होते हैं तो काम हमारा आसान हो जाता है। हम लोग नहा लिए हैं और मैंने भी पूजा कर ली है, इन्होंने भी पूजा कर ली है। तो अब भाजी को फ्राई कर रहे हैं मक्खन डालकर। तो एक कटोरे में हमने निकाल कर रख ली है सारी भाजी और उसी कढ़ाई में फ्राई कर लिया है, मतलब उसी कढ़ाई में हम फ्राई कर रहे हैं। तो कढ़ाई हमने ऐसी पोछ ली है, अभी साफ़ नहीं की है, भाजी ही तो बनाई थी, फिर भाजी फ्राई करना था तो हमने सोचा धोकर क्या करेंगे, और कॉटन के कपड़े से साफ़ कर ली। तो मक्खन डाल दिया है इसमें और मक्खन हो चुका है, तो अब बस भाजी डालेंगे। तो जब भी आप भाजी बनाकर रख लें और जब खाना चाहें तो थोड़े से मक्खन में फ्राई कर लें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक साथ फ्राई करके रखेंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी, तो जितना आप खाएं जिस टाइम तो उसी टाइम आप फ्राई कर सकते हैं। तो बस वही हम फ्राई कर रहे हैं और बच्चे भी इंतज़ार देख रहे हैं ब्रेकफास्ट का, क्योंकि उनके मनपसंद ब्रेकफास्ट आज रेडी हुआ है। आज क्या, वैसे तो मैं ज़्यादातर बच्चों से पूछ कर ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कुछ नहीं खाना चाहते हैं, तो नई चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो पाव भाजी मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ, तो बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी फ्राई होने में, बस मक्खन डालकर थोड़ा सा गर्म किया है, क्योंकि टेस्ट आ जाता है तो अच्छा लगता है। और ये काम भी मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मेरे हस्बैंड जी ने ही रेडी किया है, और जब ब्रेकफास्ट रेडी मिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो भाजी मेरी फ्राई हो चुकी है और इस कढ़ाई में ही हम पाव सेक लेंगे। तो पाव भी वो सेक रहे हैं, मैं उनके पास में खड़ी हुई हूँ, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ। तो आज वो मुझे कुछ नहीं करने दे रहे हैं, बस गरम गरम ब्रेकफास्ट खाएंगे, और जब गरम ब्रेकफास्ट मिल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो आज ब्रेकफास्ट से मेरी छुट्टी है, तो बस अब उसी कढ़ाई में पाव सेक लेंगे। देसी घी इसमें ऐड कर दिया है और देसी घी से ही पाव सेक रहे हैं, क्या पता मक्खन भी डालें या नहीं डालें, तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये काम वो खुद ही कर रहे हैं। और कढ़ाई में अच्छे से सिक जाते हैं, तवे पर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, और कढ़ाई में अच्छे से सिक जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं इसी कढ़ाई में सेक लूँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे मैं तो तवे पर ही सेकती हूँ। भाजी बनी रखी होती है तो फिर कढ़ाई क्या रखें, तो जब भी सेकना होता है कढ़ाई में सेक लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये ब्रेकफास्ट है हमारा और ये रेडी हो चुका है, तो बच्चों के लिए प्लेट लगा दी है और मैं बच्चों के लिए देने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग भी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आज वुमेंस डे भी है, तो मेरी जितनी भी लेडीज़ फ्रेंड्स हैं सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने तो अपने हाथों से मेरे लिए आज वुमेंस डे पर ब्रेकफास्ट रेडी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों ने वुमेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया। और फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो मेरे हस्बैंड के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा।